तो चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मदर, फादर एंड सन को फैमिली पिक्चर के लिए रेंडमली लाइनअप करना है। तब इवेंट ई इस प्रकार है कि पिक्चर में सन वन एंड पर आए एंड इवेंट एफ इस प्रकार है कि पिक्चर में फादर मिडिल में आए। तब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यदि हम मदर को एम, फादर को एफ एंड सन को एस से डिनोट करें, तब इनको फैमिली पिक्चर के लिए लाइन में खड़े करने के रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस यह होगा, जिसमें टोटल 6 पॉसिबल वेज में हम मदर, फादर एंड सन को अरेंज कर सकते हैं। अब इवेंट ई इस प्रकार है कि सन पिक्चर में वन एंड पर आए। सो यदि हम सैंपल स्पेस में देखें तो इन सभी वेज में सन पिक्चर के वन एंड पर आएगा। सो इवेंट ई इन सभी के सेट के इक्वल होगा। अब इवेंट एफ इस प्रकार है कि फादर पिक्चर में मिडिल में आए एंड यदि हम सैंपल स्पेस में देखें तो इन सभी वेज में फादर पिक्चर के मिडिल में आएगा। सो इवेंट एफ इस सेट के इक्वल होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करनी है, जिसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो कि हमें 1/3 के इक्वल मिलेगी। अब नेक्स्ट हम ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं, तब यह हमें इसके इक्वल मिलेगा। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो यह हमें 1/3 के इक्वल ही मिलेगी। अब जो भी वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, उन सभी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की वैल्यू 1 के इक्वल मिलेगी। अब हम इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। ये सभी हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब सैंपल स्पेस एस में दो इवेंट्स ई एंड एफ डिफाइन हैं। इवेंट एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स देखें तो ये सेम ही हैं। सो इन्हें वेन डायग्राम में हम यहां लिखेंगे। इवेंट ई के लिए देखें तो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यदि हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को देखें तो इन दो एलिमेंट्स को अभी वेन डायग्राम में कहीं भी नहीं लिखा गया है। सो ये दोनों एलिमेंट्स किसी भी इवेंट के पार्ट नहीं हैं। सो इन्हें ई एंड एफ को रिप्रेजेंट करने वाले सर्कल से बाहर, लेकिन सैंपल स्पेस के रेक्टेंगल में कहीं ना कहीं लिखना होगा। तो हम इन्हें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करनी है, अर्थात हमें इवेंट एफ के होने के बाद इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यह हमें 1 के इक्वल मिलेगी। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अभी तक आप में से काफी स्टूडेंट्स को यह डाउट आ रहा होगा कि यदि हमें एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम उसे कौन से अप्रोच से सॉल्व करेंगे। क्या हम उसे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे या फिर उसे मैथमेटिकल अप्रोच यूज करके सॉल्व करेंगे। तो जो वेन डायग्राम वाला अप्रोच है वो केवल आपको समझाने के लिए है। यदि आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसे मैथमेटिकल अप्रोच यूज करके सॉल्व करेंगे, जहां हम फॉर्मूलाइज का यूज करते हैं।